हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दो प्रकार का फेस पैक बनाना बताती हूँ जो कि बहुत ही इजी है और होम रेमेडी है। ये आपके बाल चेहरे को ये इतना ज़्यादा ग्लोविश कर देगा कि ये बहुत ज़्यादा चमकने और शाइनिंग करने लगेगा आपका चेहरा। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने एक प्लेट लिया है, इसमें मैं क्या करूँगी कि एक स्पून में बेसन यूज़ करूँगी। बेसन तो हर घर में होता है, ना हो तो दाल को पीस लीजिए, बेसन बनकर तैयार है। ये देखिए, हमने एक स्पून बेसन लिया है और मैं इसमें एक पिंच, मतलब कह लीजिए एक चुटकी, मैं इसमें हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी। ये आपको डेली डेली बनाना है, डेली यूज़ करना है, बना करके फ्रिज व्रिज में नहीं रखना है, आप लोगों को डेली बनाना है, डेली यूज़ करना है। ये देखिए, हाफ पिंच मैं आपको दिखाती हूँ कितना हल्दी पाउडर यूज़ करना है, बहुत ही कम आप लोग को हल्दी पाउडर यूज़ करना है। और फिर उसके बाद मैं इसमें दूध यूज़ करूँगी। आप लोग चाहो तो कच्चा दूध यूज़ करो, चाहे तो आप लोग पका दूध यूज़ करो। कच्चा दूध यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट पका दूध मेरे घर था इसलिए मैं पका ही यूज़ कर रही हूँ। डेली बनाना है, डेली लगाना है। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ। बहुत ही गाढ़ा नहीं इसका पेस्ट बनाना है, थोड़ा सा गीला ही पेस्ट बनाना है। थोड़ा थोड़ा दूध करके हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही। इससे हमें अंदाज़ा एक बन जाता है कि हमें कितना इसको गीला करना है। ज़्यादा दूध डाल देंगे तो हो सकता है कि बहुत गीला हो जाए और बहुत ज़्यादा भी बन जाए। देखिए, हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है ना। अब मैं इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ। अब मैं इसको लगाने के प्रोसेस में चलती हूँ। मॉर्निंग में लगाना है, बिना फेस वॉश किए लगाना है। आप लोगों को फेस वॉश नहीं करना है, आप लोगों को नॉर्मल पानी से मुंह धुल लेना है ब्रश मंजन करने के बाद। जब आप लोग नहाने जाते हैं तब लगाना है। ये देखिए, मैं नहाने के पहले मैं इसको लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं ना कैसे इसको लगाना है, पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। और आप लोग चाहो तो इसको अपने लिप्स पर भी लगा सकते हैं, आप लोग चाहो तो अपने आँखों के घेरे के नीचे भी लगा सकते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत सारे फेस पैक के लिए क्या होता है कि मना किया जाता है कि आँखों के नीचे मत लगाइए, पर आप लोग ये फेस पैक अपने आँखों के नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं तो अपने आँखों के नीचे, ऊपर, हर जगह लगाती हूँ और लिप्स पर भी लगा लेती हूँ। ये देखिए, अच्छे से लगाने के बाद मैं इसको 10 मिनट सूखने दूंगी। देखिए, अच्छे से लग गया है ना, अब हम 10 मिनट इसको सूखने देंगे। 10 मिनट सूखने के बाद देखिए सूख गया है, हम लोग हल्के हाथों से इसको मसाज करेंगे। एकदम हल्के हाथों से कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चेहरा है ये, जैसे बच्चों का मसाज किया जाता है ना, एकदम हल्के हाथों से। ये देखिए, मसाज कर रही हूँ, ये अपने आप ही झरते जा रहा है। और जैसे ये झर जाए मसाज के, मतलब अच्छे से करने के बाद, स्क्रब जैसे नॉर्मल किया जाता है वैसे ही, उसके बाद हम इसको नॉर्मल पानी से धुल लेंगे और फिर हम नहा लेंगे। आप लोग कुछ लगाना चाहो तो चेहरे पर लगा भी सकते हैं क्रीम पाउडर। मैं आपको दूसरा प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने चावल सोख करने के लिए रख दिया था, एक मुट्ठी चावल मैंने रात में सोख करने के लिए रख दिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसका पानी पूरा हम लोग छान लेंगे और पानी छानने के बाद हम इसको पीसेंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा कि एक हफ्ते आप लोग कंटिन्यू बेसन यूज़ कीजिए और एक हफ्ते इसको यूज़ कीजिए। कंटिन्यूस दोनों को मत यूज़ कीजिएगा। जैसे ये हो जाता है कि अगर आप लोग रेगुलर बेस पर कोई चीज़ आए हैं तो एक टाइम पे तो आपको वो सूट करता है, पर दूसरे टाइम में वो आपको सूट करना बंद कर देता है। इसलिए आप लोग एक हफ्ते बेसन लगाइए, एक हफ्ते चावल लगाइए, फिर एक हफ्ते बेसन लगाइए, फिर एक हफ्ते चावल लगाइए। ये मैं एक चम्मच ओट्स डाल रही हूँ। एक मुट्ठी चावल में एक चम्मच ओट्स पड़ेगा। एक चम्मच मैं शहद डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं शहद है। एक चम्मच मैं इसमें शहद यूज़ कर रही हूँ और हम इसमें यूज़ करेंगे दूध। दूध हम पीसने के लिए यूज़ करेंगे, पानी इसमें नहीं डालना है। पीसते टाइम आपको सिर्फ गीला स्ट्रक्चर रखना है। आप लोग दूध कोई क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। मैं इसमें स्टार्टिंग में से 2 से 3 चम्मच में स्पून, मतलब इसमें दूध यूज़ करूँगी, पर बाद में पीसते टाइम मुझे और दूध की ज़रूरत पड़ी थी इसलिए मैं 1 से 2 चम्मच और इसमें दूध ऐड कर दी थी। अब मैं इसको पीस लूँगी, मिक्सी में पीस लेगा इस। ये जो मैं बना रही हूँ इसको आप लोग 2 से 3 दिन रख सकते हैं। बेसन जो मैंने अभी बताया है उसको आप लोगों को नहीं रखना है, पर जो आप लोग चावल का पेस्ट बना रहे हैं इसको आप लोग 2 से 3 दिन रख सकते हैं। ये देखिए, हमारा चावल का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसकी थिकनेस देख सकते हैं कैसा है, ऐसी थिकनेस रखनी है आप लोगों को भी। थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा क्योंकि ये चावल है तो बहुत ज़्यादा महीन तो नहीं पिसाएगा, पर ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको लगाने के प्रोसेस में चलती हूँ। आपको ये 2 से 3 दिन मेरा चल जाता है। इसको भी आप लोग वैसे लगाइएगा जैसे आप लोग बेसन लगाए थे, पूरा लिप्स पे भी लगा सकते हैं, आँखों के नीचे ऊपर भी लगा सकते हैं, हर जगह आप लोग लगा सकते हैं चेहरे पे। मॉर्निंग में भी इसको ही लगाना है, फेस वॉश नहीं करना है, इसको ही सिर्फ यूज़ करना है। शाम को आप लोग फेस वॉश कर सकते हैं, बेसन में भी आप लोग शाम को फेस वॉश कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा लगा लिया है। लगाने के बाद मैं सिर्फ 10 मिनट छोड़ूंगी, नेक तक पूरा लगा लीजिएगा। 10 मिनट के बाद मैं क्या करूँगी, हल्के हाथों से हम इसको रब करेंगे। ये देखिए, अच्छे से सूख गया है ना। 10 मिनट ही हम लोग उसको रखना है, हम उसको अच्छे से रब करेंगे। मैं आपको रब करके दिखाती हूँ कि इसका ये कैसे छूट रहा है, देख रहे हैं छूट रहा है ना। उसके बाद नॉर्मल पानी से मुँह धुल लीजिएगा और क्रीम पाउडर अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।